हेलो बच्चों बच्चों एक एक क्वेश्चन दिमाग में, सब बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है और सारे पेरेंट्स के दिमाग में और टीचर्स के भी दिमाग में ये चल रहा है कि लॉकडाउन की वजह से क्या सीबीएसई जो सिलेबस है वो कट करेगी, रिड्यूस करेगी कि उतना ही रखेगी सिलेबस। एक सवाल बच्चों के दिमाग में है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में चल रहा है, क्या ये जो एग्ज़ाम है क्या ये उसी समय होगा 2021 में जो कि टाइम होता है अप्रैल और मार्च का, उसी समय होगा या फिर आगे बढ़ जाएगा। तो जो मेरे विचार हैं मैं उनको आपसे शेयर करता हूं। कोई अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं है पर आप कुछ बातें समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या परिणाम हैं, आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी रखनी चाहिए। तो सुनिए पहले सवाल का जवाब। पहला सवाल, क्या लॉकडाउन की वजह से सिलेबस कम होगा? देखिए ये हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से सिलेबस कम हो। कम होने की संभावना इसलिए भी ज़्यादा है कि अगर सिलेबस यूनिवर्सिटी नहीं ऐसे बोर्ड कम नहीं करता है तो होगा क्या कि हम उतने कम समय में उस सिलेबस को नहीं करा सकते हैं। ये सीबीएसई भी जानती है क्योंकि स्कूल खुलने की संभावना अभी जल्दी से नहीं दिखती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसको नहीं कट करते हैं सिलेबस को तो एग्ज़ाम को लेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मई 2021 या जुलाई 2021 में करते हैं तो आगे सारे फिर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम, आईआईटी इंट्रेंस एग्ज़ाम और जो कॉलेज लेवल के एडमिशन हैं और वो सब लेट हो जाएंगे, तो सारा जो नेशनल करिकुलम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए सीबीएसई चाहेगी कि एग्ज़ाम तो टाइम से ही हो। लॉकडाउन बेशक आप अप्रैल क्या कहते हैं कि जुलाई से स्कूल जाएं, तब भी सीबीएसई चाहेगी कि एग्ज़ाम समय से हो, लेकिन उस समय उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि सिलेबस को कम किया जाए। अब सिलेबस को किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से कोई ऑफिशियल क्लास के लिए अनाउंसमेंट नहीं है। टीचर्स अपनी तरफ से बच्चों की क्लास ले रहे हैं, स्कूल प्रशासन ऐसे अरेंजमेंट कर रहा है बच्चों के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। अब मैं बात मुद्दे की कर रहा हूँ कि अगर ये सिलेबस कट होता है, मैंने आपको क्यों बताने की कोशिश की है, क्योंकि अगर इसको आप थोड़ा गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से आप लेंगे तो आप समझ पाएंगे क्या है। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूँ, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में टोटल इस समय सीबीएसई 9 यूनिट पढ़ाती है क्लास 12 में। लास्ट ईयर तक ये 10 हुआ करती थी, अभी ये 9 कर दी हैं, एक यूनिट ख़त्म कर दी है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अगर लॉकडाउन की वजह से सिलेबस रिड्यूस होता है तो आप समझ लीजिए कि जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरी करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म, मैंने शॉर्ट में लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, और छोटी सी यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव, और ये 6 यूनिट है ऑप्टिक्स। इस ऑप्टिक्स में दो पार्ट हैं, एक तो रे ऑप्टिक्स है और दूसरी है वेव ऑप्टिक्स। तो अगर सीबीएसई सिलेबस कट करती है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो मुझे लगता है कि फर्स्ट 5 यूनिट्स में सीबीएसई कुछ भी कट करने वाली नहीं है। क्यों? ये पूरा कनेक्शन है, और ये कनेक्शन इस तरह से है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का मोशन, फिर इसके बाद करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट का जनरेट होना, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, इसके कट होने की कोई संभावना नहीं है। क्यों? इसकी वजह और भी है। अगर आप किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे आईटी हो, कोई सी भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग हो, बीटेक फर्स्ट ईयर में अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो कॉमन सब्जेक्ट है जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है, बेसिक फिजिक्स आती है और बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें कि क्लास 11th के बहुत सारे टॉपिक आते हैं, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक फिजिक्स का जो सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में सबको पढ़ना पड़ता है, चाहे वो कोई सी भी ब्रांच हो, इवन जिसके पास आईटी है, सिविल है, उसको भी पढ़ना पड़ता है। उस स्थिति में अगर बच्चा क्लास 12th में ये 5 यूनिट पढ़ के नहीं गया है तो वो इंजीनियरिंग की जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और जो बेसिक फिजिक्स है उसको करने में उसे बहुत दिक्कतें आने वाली है। वो कर्ल, डाइवर्जेंस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, गॉस लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट हैं, वो रिलेट नहीं कर पाएगा। तो सीबीएसई किसी भी सिचुएशन में इस सिलेबस को कट नहीं कर सकती है। समझ रहे हैं बात को? दूसरी बात, अब कहाँ कहाँ कट कर सकती है? देखिए
ऑप्टिक्स कट कर सकते हैं, ऑप्टिक्स में रे का पोर्शन कट कर सकता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में इसका कोई काम नहीं है। जब आप इंजीनियरिंग में एंट्रेंस एग्जाम में काम है, मैं ध्यान दीजिए मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, जब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाते हैं, मेडिकल में तो ऐसे भी बहुत जगह कम काम है, लेकिन रे ऑप्टिक्स इसका थोड़ा सा आइडिया ही बच्चों को क्लास ट्वेल्थ में हो सकता है, कुछ पोर्शन कम कर दें, कुछ रख दें, यहाँ पर कट कर सकते हैं, जो टेंथ के कॉमन पोर्शन उनको हटा सकते हैं, कुछ कुछ पोर्शन रख सकते हैं, जैसे प्रिज्म वगैरह हटा सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स भी इंजीनियरिंग का पार्ट है, जहाँ पर हम कुछ चीज़ें इंजीनियरिंग की देखते हैं, तो इसको भी रखने की संभावना है। मतलब आप समझ गए, रे कट हो सकता है, ड्यूअल नेचर कट हो सकता है, ये यूनिट कट हो सकती है, एटम्स और न्यूक्लियाई बिल्कुल कट हो सकता है। क्यों? इसके बहुत सारे कंसेप्ट क्लास 11 12th में बच्चों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखे होते हैं, और इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में जाके बीटेक फर्स्ट ईयर में इन में से कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है, तो ये कट हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था एटम्स न्यूक्लियाई कट हो सकता है, ड्यूअल नेचर कट हो सकता है, रे ऑप्टिक्स कट हो सकती है, सेमीकंडक्टर को कट नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी बेसिक फिजिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, इसलिए इसको कट नहीं कर सकते हैं। अर्थात आप समझ गए कि अगर CBSE डिसाइड करती है कि सिलेबस कट करना है, तो मैंने कुछ क्रॉस लगाए, यहाँ पर कट हो सकता है, अभी इनमें से कुछ भी कट नहीं हो सकता है। और एग्ज़ाम बाद हो वो तो एक अलग बात है, वो तो अलग मैटर है कि सारा सिलेबस पढ़ाया जाए, लेकिन एक संभावना जो सिलेबस कट को लेकर है वो मैंने आपसे डिस्कस की, यहाँ यहाँ हो सकता है। तो अब मेरा जो मैसेज है आप सबके लिए वो बहुत सॉलिड है कि जो अभी पढ़ाया जा रहा है फर्स्ट 5 यूनिट उसको ध्यान से पढ़िए। ये भी हो सकता है कि क्लास शुरू होने के बाद टीचर ये भी कह सकते हैं कि साहब हमने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको ठीक से करा दी है, काफ़ी समय हम रिवाइज़ कर रहे थे और इसमें बहुत टाइम भी लगता है, आप देख रहे हैं कितने समय से इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रही है, 20-25 लेक्चर्स हो चुके हैं, अभी इतने और होंगे तब जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक ख़त्म होगी, तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों ना शुरू करें सीधे, जो कि क्लास 10 से हम रिवाइज़ कर सकते हैं, करंट का I = Q/T से उसको रिलेट करके आगे पढ़ सकते हैं। इसलिए बच्चों ध्यान देने की ज़रूरत है, गंभीरता से लीजिए सिलेबस को जो चल रहा है, ठीक है, और फर्स्ट 5 यूनिट कट होने की कोई संभावना नहीं है, होगा तो इनमें से कुछ कट होगा, ठीक है, अभी आप इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।